तो क्या ही शुरू होते हैं, उसके बजाय चाइना ने जो है वो एक नया कट्टा खोल दिया, और अब वो कहता है कि लाओ जी अब हमें जो है वो 38 मिलियन डॉलर्स दो, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे जो है वो इंजीनियर्स का नुकसान किया है। तो दोस्तों, आपने देखा आरजू काजमी का ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरा देखेंगे। आपको बता दूं कि चीन एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों में निवेश करता है, अच्छा खासा पैसा देता है ब्याज पर, और उसके बाद क्या करता है, जैसा उसने श्रीलंका में किया था हम्बनटोटा पोर्ट में, वही कुछ करता है। तो अब सीपैक का जो सीपैक को लेकर पाकिस्तान का एक मतलब रोमांस था, शायद अब उनकी आंखें खुलेंगी। पहले वीडियो को देखते हैं पूरा, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं बात। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आरजू काजमी मैम के भी चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके चैनल पर जरूर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं कुछ बात। कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो सात समंदरों से गहरी और सात आसमानों से ऊपर और पता नहीं इस तरह का बहुत सारा चूरन हम बेचा करते हैं। तो इस तरह की हमारी दोस्ती है और चाइनीज जो है वो मतलब हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो हमारे लिए जान देने को तैयार है, वैसे फिलहाल तो वो हमारी जान लेने को तैयार नजर आ रहे हैं। और वो कैसे, वो जी ऐसे के चाइना ने कहा है कि जी जो दासू डैम बनने जा रहा था या बनने जा रहा है, वैसे तो भी आजकल खैर बंद पड़ा है, उसमें जो है उनके 9 इंजीनियर्स के ऊपर अटैक किया गया था और कहा यही गया था कि जी TTP के लोग हैं और उसमें 9 इंजीनियर्स जो थे उनके उनको मार दिया गया था। तो अब वो कहते हैं कि जी आप हमें पैसे दें, इनके लिए कंपनसेशन दें आप इनको, हाँ इन जिनकी जिनको मारा गया है उनके लिए, और कुछ ज्यादा नहीं 38 मिलियन डॉलर्स मांग रहे हैं वो। यानी कि पाकिस्तान से कहा गया है चाइना की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो 38 मिलियन डॉलर्स जो है वो चाइना को पेमेंट करे, तो चाइना जो है उन लोगों को जिनकी जानें गई थी जो यहाँ पे चाइनीज इंजीनियर्स थे, तो उनकी फैमिलीज को देंगे जो भी करेंगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि जी 38 मिलियन डॉलर्स जो है वो पेमेंट की जाए। अब सोचने वाली बात ये है कि ये चीज तो चाइना को खुद समझनी चाहिए थी कि मतलब हमारे पास कहाँ है जी 38 मिलियन डॉलर। हम तो खुद अभी हमारे जो कहना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप सब जानते ही होंगे शौकत तरीन साहब, हम तो अभी खुद IMF के पास गए हुए हैं और उनसे जो है कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को कुछ फंड वंड दे दें ताकि फिर हम अपनी कंट्री को चला सके, उसके लिए हम उनकी सारी शर्तें मानेंगे। अगर वो कहेंगे फ्यूल प्राइस बढ़ा दो वो कर देंगे, अगर वो कहेंगे ये टैक्स लगा दो वो टैक्स लगा दो, अगर वो कहेंगे अपनी पब्लिक का तेल निकाल दो तो हम अपनी पब्लिक का तेल भी निकाल देंगे। ये बात हमारी गवर्नमेंट कर रही है और ऊपर से चाइनीज आ गए और वो आके कह रहे हैं कि जी आप हमें 38 मिलियन डॉलर्स दीजिए। मतलब हमारे पास तो पहले ही जो है वो डॉलर्स नहीं है, और फवाद चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स खत्म हो गए हैं, मतलब खत्म हो गए से मतलब ये कि दी एंड क्लाइमैक्स, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही इन लोगों को, और कोई बिलीव ही नहीं कर रहा, समझ रहे शायद हमने दीवारों में जो है वो सोने की ईंटें रखी हुई है, जैसे 70s 60s की मूवीज में होता था ना, एक दीवार हटती थी ऐसे, जैसे मेरे पीछे अब बुक शेल्फ है वो हटेगा तो पीछे से एक तिजोरी निकलेगी और उसमें से ना आपको इतनी बड़ी बड़ी सोने की ईंटें मिलेंगी। वैसे पहले सोने की ईंटें बोलते थे तो सच में ईंटें ही रखी होती थी, और बिस्किट भी होते थे आपको याद होगा वो बच्चन साहब की मूवीज में, बिल्कुल। तो उनको लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में जो है वो हर जगह पे सोने की ईंटें रखी हुई है और सोने के बिस्किट खा रहे हैं सब लोग बैठ के, तो चाइना ने सोचा होगा चलो हम भी कुछ पैसे मांग लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे देने को तो हम दे देते हैं, अब चाइना ने हमें 38 मिलियन कहा है, मैं तो कहती हूं कि हम 78 मिलियन देने को तैयार हैं, मगर हो तब ना, हमारे पास जब है ही कुछ नहीं तो हम कहां से देंगे, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, वो मांग बैठे हैं। लेकिन ये गलती जो है बेसिकली पाकिस्तान की नहीं है। देखें TTP जो है, पाकिस्तान ने तो कभी TTP को सपोर्ट किया ही नहीं, उन्होंने तो हमेशा अफगानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट किया, ये TTP वाले पता नहीं कौन है, हम तो इनको जानते भी नहीं है, और इन्होंने अगर कुछ कर दिया तो हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। और दूसरी बात ये कि गलती जो है ये चाइना की है, चाइना को हमारे ऊपर इस तरह की कहना चाहिए फाइन लगाते हुए या इस तरह की पेमेंट के लिए हमें कहते हुए पहले सोचना तो चाहिए था कि मतलब हमारे पास है क्या जो हम देंगे। देखिए अगर आप किसी बैंक में जाते हैं और किसी बैंक से आप पैसे मांगते हैं तो बैंक आपको कहता है कि जी
आपके अपना घर हो या आपकी गाड़ी हो या आपका बैंक बैलेंस हो या कोई भी और तरह की प्रॉपर्टी प्लॉट कोई चीज, तो आपको बैंक को बताना पड़ता है कि जी अगर मेरे पास पैसे ना, मैं आपको दोबारा जो है पेमेंट कर पाया तो ये चीजें हैं, इनको बेचकर आप ले लिएगा। तो इसी तरीके से बैंक फिर तभी पेमेंट करता है जब उसे पता हो कि हाँ ये मेरे पैसे दे देगा। तो इसी तरह से चाइना को देखना चाहिए था कि जब वो 38 मिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं तो वो ये तो देखे कि हमारे पास है कितना। हाँ 38 डॉलर मांगता तो शायद मिल भी जाते, मतलब 38 डॉलर तो क्या, मैं कहती हूँ 100 डॉलर भी हम दे देते, कोई बड़ी बात नहीं है 100 डॉलर हम लोगों के लिए, हम 100 डॉलर से नाक साफ करके फेंक देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और साथ के साथ हमने ये भी देखा कि जी जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी पाकिस्तानियों ने। कहते हैं कि जी अगर ऐसे ही था तो हम भी एलिगेशन लगा सकते थे चाइना के ऊपर कि जी कोविड तो चाइना की वजह से फैला है। लेकिन बात सारी ये है कि आप तो कहते हैं कि हम चाइना के बड़े अच्छे दोस्त हैं और चाइना तो हमारे जैसे कहना चाहिए कि माई बाप लगते हैं, तो हम कैसे चाइना के ऊपर ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि चाइना के ऊपर के वो कोविड उन्होंने फैलाया है। वो तो बड़ी बड़ी कंट्रीज ने अभी तक कुछ खास नहीं किया है, मगर हमारी तो वैसे कोई हैसियत नहीं क्योंकि हमने तो अभी सी पैक में भी उनको चूना लगाया, सी पैक भी नहीं चल रहा, उसमें भी करप्शन के केसेस बहुत आए हैं, वो भी चाइना ने बंद कर दिया है 3 साल। वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में चाइना वाले जो है वो कोशिश करते रहे कि शायद सी पैक उठ जाए, शायद सी पैक पे कुछ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो फाइनली उन्होंने कहा कि जी काम बंद करो और निकलो इधर से, बाद में देखा जाएगा। जिसको खान साहब ने कह दिया कि जी वो कोविड की वजह से जो है ना वो उसके प्रोजेक्ट्स बंद हुए हैं, दोबारा शुरू हो जाएंगे। लेकिन खैर वो दोबारा तो क्या ही शुरू होते हैं, उसके बजाय चाइना ने जो है वो एक नया कट्टा खोल दिया और अब वो कहता है कि लाओ जी अब हमें जो है वो 38 मिलियन डॉलर्स दो क्योंकि तुम लोगों ने हमारे जो है वो इंजीनियर्स का नुकसान किया है और इस तरह से। लेकिन वो इंजीनियर तो चाइना जो है इतने वो अकलमंद बनते हैं, इतने ज्यादा बताते हैं जी हम तो बड़े एजुकेटेड लोग हैं और हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनको पैसे जो है वो पाकिस्तान के बजाय उनको TTP से मांगने चाहिए थे। इसलिए कि पाकिस्तान ने तो नहीं किया ना नुकसान, पाकिस्तान ने तो इंजीनियर्स को नहीं मारा, पाकिस्तान तो अपना जैसे चल रहा था उसी तरह से सी पैक पे अपनी छोटी मोटी करप्शन करके छोटे मोटे पिज्जा फ्रेंचाइज बना के अपना गुजारा कर रहे थे हम लोग। हमने तो नहीं कहा कि जी इन चाइनीज इंजीनियर्स को इस तरह से किया जाए, वो तो TTP ने किया। तो इसका मतलब है कि पैसे भी TTP से लेने चाहिए। ये जो चाइनीज हैं कमिट है चाइना की, उनको चाहिए कि वो TTP से कांटेक्ट करें और उनका नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, मतलब आप किसी से भी ले लें। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उनको जानते हैं, जाहिर है जब वो मैसेज भेजते हैं, जब कभी वो किसी को मारते हैं किसी किस्म का नुकसान करते हैं तो फिर वो आगे से ये भी तो स्टेटमेंट अपनी लगा देते हैं ना कि जी हमने किया है। तो फिर कोई ना कोई तो उनके पास सोर्स होगा ना कांटेक्ट का, आपको कोई ईमेल करते होंगे, कोई कॉल करके बताते होंगे, कोई कोई किसी किस्म का खत लिखते होंगे, कोई कबूतर आता होगा लेके, कुछ तो होता होगा ना जिससे आपको अचानक से पता चलता है कि ये चीज जो है जी। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको पता होगा कि आरजू काजमी मैम का जो बताने का तरीका है थोड़ा सा नॉन सीरियस है, लेकिन बड़ा एंटरटेनिंग है, इस वजह से इनको लोग देखते हैं। तो आपने देखा दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस पर, मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं कर रही है। पाकिस्तान के मिनिस्टर क्या बात करें, उनको कुछ पता ही नहीं है। बेसिकली वो लोग सी पैक को लेकर अभी ऐसा सस्पेंस है जैसा मान लीजिए किसी मूवी में सस्पेंस रहता है कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। हिमालय से ऊंची चीन, चीन से दोस्ती है, समंदर से गहरी, इस तरीके का कोई डायलॉग है, डीपर देन सीज एंड हायर देन माउंट हाई, ऐसा कुछ डायलॉग है। मैं शायद कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो ये डायलॉग बोलते बोलते ये लोग थकते नहीं थे। ये लोग सोचते थे जैसे ही सी पैक कम्प्लीट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी वो आसमान पर, इस तरीके की बात करते थे। आपको भी पता है दोस्तों सी पैक को लेकर भारत का मीडिया है, भारत के जो लोग हैं वो सीधी सी बात यही करते थे कि सीपेक एक रूट है जिसमें चीन अपना सामान ले जाएगा, गवादरपुर, गवादरपुर से वो जाएगा अरब कंट्रीज, अरब कंट्री से वो आगे जाएगा अफ्रीकन कंट्रीज। पाकिस्तान को फायदा क्या होना, पाकिस्तान को मिल सकता है टोल टैक्स, पाकिस्तान रोड के किनारे खुल सकते हैं ढाबे, पंचर की दुकान और बस गन्ने के जूस के ठेले, जो कि आप नॉर्मली समझ सकते हो, यही चीज़ें हो सकती हैं और कुछ फ़ायदा नहीं है। और ढाबे भी नहीं चलने, ढाबे में अगर चाइनीज़ फूड नहीं लागो आप तो वो नहीं चलने। चीनी अपना चाइनीज़ फूड ही खाते हैं, उनको देसी नहीं अच्छा लगता है दोस्तों, आपको बता दूँ। तो ये चीज़ होने वाली है, ऑब्वियसली होनी थी, लेकिन अब चीन का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके जो चाइनीज़ इंजीनियर हैं मारे जा रहे हैं, तो चीन एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को लेकर चिंतित रहता है।
ये अपने खुद के मजदूर लाता है, पाकिस्तानी मजदूर पर विश्वास नहीं है। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है दोस्तों, चीन चीन से या फिर पाकिस्तान खुद पीछे छुड़ाना चाह रहा है क्योंकि इनको लोन वापस करना है। तो अब समझ में नहीं रहा आगे होने वाला क्या है। सीपैक तो एक बड़ा सस्पेंस बन चुका है। चीन ने एक और दावा किया था कि ईरान में कुछ 400 बिलियन मिलियन डॉलर इतना अमाउंट तो मतलब बोल दिया था, उसके बाद अभी कुछ प्लान बना नहीं है। ईरान कैसे जाएंगे वो लोग ये भी नहीं पता, अफगानिस्तान के थ्रू जाएंगे या पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे। अगर अफगानिस्तान के थ्रू जाते हैं तो एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान फिर उन्हें पाकिस्तान जाने की ज़रूरत क्या है, वो तो सीधा अरब कंट्री वहां से पहुंच सकते हैं। लेकिन अरब कंट्री ईरान के रिश्ते क्या है, मतलब ये कुछ ऐसी खिचड़ी है, ऐसी उलझन है जिसे सुलझाना बड़ा मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब चीन के वो दावे कि हमने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हालांकि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, बस एक पेपर में लिख दिया। आपने मेजर गौर आवारे की वीडियो अगर फॉलो करें तो आप उनको समझ सकते हो। तो दोस्तों अब सीपैक को लेकर आपको क्या लगता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका मतलब जिसको लेकर एक ऐसा रोमांस था पाकिस्तान का चीन के साथ, अब देख सकते हो आप ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो वीडियो खत्म करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।